परपेंडिकुलर लाइंस मींस क्या कि व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट, दो लाइन इंटरसेक्ट मींस आपस में मिलती हैं एंड द एंगल बिटवीन देम इज राइट एंगल. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे हम टू लाइंस किसी वे में भी मिला सकते हैं, हम ऐसे मिला सकते हैं, हम ऐसे मिला सकते हैं, ये लाइन है, ये लाइन है, ये आपस में यहां मिल गई. हम ऐसे भी लाइंस को मिला सकते हैं. सो क्या हम इन सब लाइंस को परपेंडिकुलर कहेंगे? नो, वी कैनॉट से दिस टू बी परपेंडिकुलर, क्योंकि व्हेन टू लाइंस आर मीटिंग ईच अदर, इंटरसेक्टिंग ईच अदर, तो द एंगल बिटवीन देम इज अ राइट एंगल. मीन्स राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री का बनाए, देन द लाइंस आर सेट टू बी परपेंडिकुलर. तो ये लाइन परपेंडिकुलर है? नहीं. ये लाइन है? नो. इज दिस लाइन? नो. इज दिस लाइन? यस, बिकॉज दिस इज मेकिंग अ 90 डिग्री का एंगल. 90 डिग्री हमेशा क्या है? बिल्कुल स्ट्रेट. बेस के साथ जब पूरी एक स्ट्रेट लाइन बनती है ऐसे, दिस इज नोन एज परपेंडिकुलर. अगर ये थोड़ा सा एंगल ऐसे झुका है या ऐसे झुक गया है तो दे फॉर्म अ एंगल, और एंगल मेजरमेंट इन द प्रीवियस सेशंस यू हैव लर्न्ड. तो अगर हम आप प्रॉपर एक परपेंडिकुलर लाइन आपको शो करना चाहें, तो अगर आपके हाथ में कॉपी पेंसिल है, एक परपेंडिकुलर लाइन अपने कॉपी में ड्रॉ करिए आप लोग. तो परपेंडिकुलर लाइन, दिस मीन्स दिस थिंग. तो इफ अ लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, तो ये भी ध्यान दीजिए अब टर्म पर, ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी. तो ए बी इज परपेंडिकुलर मीन्स दिस इज ए, दिस इज बी, एंड दिस लाइन इज सी एंड डी, क्योंकि ए बी सी डी के परपेंडिकुलर है. मीन्स ए बी इज फॉर्मिंग 90 डिग्री एंगल. ठीक है, तो ए बी सेगमेंट ए बी इज फॉर्मिंग अ 90 डिग्री एंगल एट द सेगमेंट सी डी. सो दिस इज कॉल्ड. तो हम इसको उल्टा नहीं कर सकते हैं कि हम अगर इसको अगर इस टाइप से बनाए सेम थिंग लेकिन नाम ऐसे लिख दें तो दिस विल बी रॉन्ग. ये आप लोग बहुत ध्यान से समझिए. तो ए बी सी डी के परपेंडिकुलर हम जब रिवर्स कर रहे हैं, तो द बेस्ट थिंग इज अगर आप इस टाइप से ड्रॉ करें तो जहां आता है दिस इज परपेंडिकुलर ऑन दिस, तो ये जो इस परपेंडिकुलर जो यहां लिखा होता है उसकी स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए टू का डाउन लाइन. सो दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस. नाउ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लेट ए बी बी अ लाइन सेगमेंट. तो आगे हम देखते हैं ए बी कोई एक लाइन सेगमेंट है. ओके, मार्क इट्स मिड पॉइंट एस एम. तो हमने आइडिया से यहां पे एक पॉइंट एम मार्क कर दिया. लेट एम एन बी अ परपेंडिकुलर टू ए बी. तो देखा ये कहा इन्होंने एम एन बी परपेंडिकुलर टू ए बी. सो ये थोड़ा सा हल्का स्लांट गया है, डोंट वरी, इसको फिर से बना लेते. सो ये एक रफ है, आप चाहें तो यू कैन ड्रॉ विद द स्केल ऑल्सो. ठीक है, नाउ दे आर सेइंग एम एन, सो दिस इज एन. तो वही कह रहे ना, एम एन बी अ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी थ्रू एम. ठीक है, थ्रू एम. तो इसमें थ्रू एम का जब कह रहे हैं तो दिस मीन्स आपका कैसे डायग्राम बनेगा, ये हमें और नीचे ड्रॉ करनी होगी. तो एम एन बाइसेक्ट्स ए बी इन टू इक्वल पार्ट्स. तो इस एम एन ने ए बी को टू इक्वल पार्ट्स में कर लिया. अगर सपोज हम ये कहें ये 5 सेंटीमीटर का है, या हम 6 सेंटीमीटर इसको बोले आपको इजी हो जाएगा. तो ये 3 सेंटीमीटर, ए एम इज 3 सेंटीमीटर एंड एम बी इज 3 सेंटीमीटर. उसको इक्वली टू पार्ट्स में, तो 6 का हाफ क्या हो गया, 3 3. सो वी से एम एन इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. बाइसेक्टर मींस व्हेन एनी सेगमेंट कट्स द अदर सेगमेंट इन टू इक्वल पार्ट्स, देन इट इज नोन एज बाइसेक्टर. परपेंडिकुलर मींस व्हेन इट इज मेकिंग अ 90 डिग्री का एंगल. तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस व्हेन इट इज मेकिंग द 90 डिग्री का एंगल ऑल्सो इट इज
डिवाइडिंग डेट लाइन सेगमेंट जिसपे वो लाइन बना रहा है इंटू टू इक्वल पार्ट्स, देन डेट इज नोन एज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. तो परपेंडिकुलर 90 डिग्री, बाइसेक्टर मीन्स डिवाइडिंग इंटू टू इक्वल पार्ट्स. इज दिस थिंग क्लियर टू यू? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज डू रिमेंबर दीज टर्म्स. Now, some questions. Which of the following are models of perpendicular lines? Models means, abhi question padhenge, then you will understand in a much better way. The adjacent edges of a tabletop. Jo aapki table hoti hai, usme adjacent edges. Adjacent edges means, pass wali edges. To suppose aapka kya hai? Is type se koi table hai. Theek hai? तो एक इसका, ये इस टाइप से, उसके लेग्स हैं, तो ये एक टेबल है. तो एडजेसेंट एजेस मींस हो गया, आई मार्क इट विद रेड कलर तब आपको क्लियर होगा ये पार्ट. तो ये साइड एंड दिस साइड आर नोन एज एडजेसेंट. और अगर हम ये साइड और ये साइड या दिस साइड की बात करें, देन टर्म यूज होता है ऑपोजिट. तो हाँ, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑपोजिट, वी आर टॉकिंग अबाउट एडजेसेंट. तो ये एडजेसेंट, तो द एडजेसेंट एजेस ऑफ अ टेबल टॉप. तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडल्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइन. तो हम इसको परपेंडिकुलर बोल सकते हैं ना, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे. तो यस, तो हम इस मॉडल को कह सकते हैं, इस लाइन को हम कह सकते हैं यस, कि दिस इज अ मॉडल ऑफ परपेंडिकुलर लाइन. तो आंसर आ गया हमारा यस. द लाइंस ऑफ रेलवे ट्रैक. तो लाइंस ऑफ रेलवे ट्रैक, तो रेलवे ट्रैक की बात नहीं कर रहे, ये रेलवे ट्रैक है, इसमें जो लाइंस है परपेंडिकुलर बना रही है यस. द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द लेटर एल. एल आप कैसे लिखते हैं? हम ऐसे ही तो लिखते हैं. दिस इज इन अ मच बेटर वे. सो ये भी क्या है? यस, लेटर वी. ये नो, कि हम ये जो हमारा लेटर वी है, वी कैन नॉट पुट द एंड इन टू परपेंडिकुलर लाइंस. नाउ लेट पी क्यू बी द परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एक्स वाई. तो वही जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था, पे अटेंशन ऑन द लैंग्वेज. किस पे कह रहे? पी क्यू बी विद द परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एक्स वाई. तो एक्स वाई इज दिस लाइन सेगमेंट एंड पी क्यू दे आर सींग दिस. PQ be the perpendicular to the line segment XY. Let PQ and XY, PQ and XY intersect in the point A. तो यहां ये जो intersecting point है, इसको हमने बोल दिया A. और PQ इसका मतलब हम थोड़ी सी बाहर निकाल दें इसको, ठीक है? So this point is known as this point. I am marking it with blue, जैसे आपको समझ में आए हम किस पॉइंट की बात कर रहे हैं. सो ये जो ब्लू है, दिस इज ए. व्हाट इज द मेजर ऑफ पी ए वाई? पी ए वाई, व्हाट इज द मेजरमेंट? वो कह रहे हैं पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, और ये परपेंडिकुलर मींस दे मेक अ 90 डिग्री का एंगल. तो व्हाट इज द मेजर ऑफ पी ए वाई? तो मेजर ऑफ पी ए वाई कितना होगा? थिंक अबाउट दैट, 90 डिग्री. क्योंकि राइट एंगल हम कहते हैं, राइट एंगल इज ऑफ 90 डिग्री. वन मोर क्वेश्चन, अब ध्यान दीजिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इजिली यू कैन गिव द आंसर, नहीं तो यू कैन गेट कंफ्यूज. तो ध्यान से पढ़िए. Study the diagram. The line L is perpendicular to line M.
तो लाइन L इज परपेंडिकुलर टू लाइन M. तो ये L और M ये परपेंडिकुलर है, ठीक है. नाउ दे आर सेइंग लाइन L इज परपेंडिकुलर, तो ये लाइन मीन्स ये एंड दिस. L इज परपेंडिकुलर टू M. सो नाउ नेक्स्ट व्हाट वी नीड टू डू, does PE, first question, is CE is equal to EG? तो CE यहां से देखिए हम इसकी बात कर रहे हैं, CE is equal to EG means it is good अगर हम दूसरा कलर यूज करें EG. What do you think, are they equal? Yes, they are equal. क्योंकि देखें आप ये सारे इक्वल डिस्टेंस पे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो द डिस्टेंस बिटवीन दीज आर इक्वल. तो हम C से E तक कितना 1+1, 2 चल रहे हैं, एंड E से G तक 1+1, 2 चल रहे हैं. तो 2-2 सेंटीमीटर चल रहे हैं, दोनों का मेजरमेंट इज कमिंग टू, तो वी कैन से इज CE इज इक्वल टू EG. यस. Does PE bisect CG? तो अभी जो हमने पहले करा उसको वी इरेज, अब फिर से अपने पॉइंट को देखते हैं क्या है. Does PE, PE आपका ये आ गया, ठीक है, bisect CG, CG, ठीक है. वो कह रहे क्या है? ये bisect कर रहे, तो CG हमारा टोटल कितना मेजर हुआ, 1, 2, 3, 4, ठीक है. और यहां पे अब बीच में हमारा E आ गया, तो CD डी प्लस DE एक पार्ट हो गया, EF एंड FG एक पार्ट हो गया, अगेन इक्वली हो गया. सो हमारा टोटल कितना जा रहा था, टोटल यहां से यहां तक हमारा मेजरमेंट 4 सेंटीमीटर जा रहा था, अब हम यहां से यहां तक का मेजरमेंट लें 2 सेंटीमीटर. And if I take the measurement here, 2 centimeter. This means it bisects. So does PE bisects CG? Yes. Identify any two line segments for which PE is the perpendicular bisector. Now, अब आपको identify करना है कि PE is perpendicular and bisector means वो है. तो आप two line segments आप कोई भी ले सकते हैं, तो आप कैसे ले सकते हैं, ये आपका PE है, सो अब हम कुछ भी हम इसमें कोई ले सकते हैं, जैसे हम DE एंड EF एक एक सेंटीमीटर का ले सकते हैं, और हम बी से लेकर ई तक, तो 1, 2, 3 एंड देन 1, 2, 3 ई से लेकर एच तक. तो देयर आर नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन यू कैन मेट, इसमें कोई परेशानी नहीं है. नेक्स्ट, आर दीज ट्रू, ए सी इज ग्रेटर देन टू एफ जी, तो ए सी जो है वो एफ जी से ग्रेटर है. तो ए सी से A से C तक इट्स 2 सेंटीमीटर अगर हम माने, और वो कह रहे FG, FG is coming 1, है ना, तो AC is greater, yes, true. CD is equal to GH, CD इतना है, GH इतना है, एक का ही है, yes, this is also true. BC is smaller than EH, इसको चेक करते हैं, बी सी इज स्मॉलर देन ई एच, यस, क्योंकि बी सी हमारा 1, 2 से 3 का मूवमेंट है, लेकिन ई से एच तक दे आर 1, 2, 3 मूवमेंट्स, सो यस दिस इज ऑल्सो ट्रू. So in this way, by looking at the diagram, you can tell how which is equal, which is greater, which is smaller. So what did we learn today?
टुडे वी लर्न अबाउट परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड ऑन दैट कॉन्सेप्ट्स वी हैव डन सम सम्स. इन द नेक्स्ट सेशन फ्रॉम द सेम चैप्टर वी आर गोइंग टू डू सम मोर सम्स. टिल देन टेक केयर, बाय.